दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, धोनी के चंगुल में बुरे तरीके से फंसी कोलकाता, चेन्नई ने आसानी से जीता एक रोमांचक मैच तो पूरा पाकिस्तान भी महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी का दीवाना हो गया। जहां एक तरफ शोएब अख्तर धोनी को इस जीत का असली हीरो बता रहे हैं, वहीं वसीम अकरम से लेकर इंजमामुल हक, शाहिद अफरीदी और बाबर आजम जैसे बड़े बड़े पाकिस्तानी दिग्गजों ने जो कह दिया, उनकी बातें सुनकर आप भी धोनी को दिल से सलाम करेंगे। तो आखिर किसने धोनी को दिया जीतने का पूरा क्रिकेट, किसने कोलकाता की हार पर उड़ाया उनका मजाक, किसने चेन्नई को आईपीएल 2024 का चैंपियन तक बता दिया, इन सभी दिग्गजों के बयान हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, धोनी और गंभीर में कौन अपनी टीम को आईपीएल 2024 का चैंपियन बनाएगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 के सबसे एक्साइटिंग और थ्रिलर मैच के लिए हर कोई बेकरार था, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी के सामने चुनौती लेकर खड़ी थी गौतम गंभीर की कोलकाता नाइट राइडर्स। चेपाव के मैदान पर सभी ने सोचा कि एक बेहद रोमांचक मैच खेला जाएगा, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की चेन्नई ने एक ऐसा करिश्मा कर दिखाया जिसने गौतम गंभीर के चाहने वालों का दिल ही तोड़कर रख दिया। और धोनी ने एक बार फिर बताया कि आखिर क्यों वह दुनिया के महानतम कप्तानों में से एक है। जी हाँ, पहले ऋतुराज गायकवाड़ ने कोलकाता को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया, फिर धोनी के सबसे बड़े हथियार रविंद्र जडेजा ने अपनी फिरकी का ऐसा मायाजाल बुना कि एक ही ओवर में लगातार 2 विकेट चटका कर जडेजा ने कोलकाता की कमर तोड़ दी। अगले ओवर में उन्होंने एक और शिकार कर कोलकाता को बुरे तरीके से तहस नहस करके रख दिया। जडेजा ने नारायण रघुवंशी और वेंकटेश अय्यर का शिकार बहुत जल्द करके कोलकाता का टॉप ऑर्डर तहस नहस कर दिया। वहीं तुषार देशपांडे के साथ मिलकर उनके तेज गेंदबाजों ने कोलकाता को 1-1 रन के लिए तरसाया और 20 ओवर में कोलकाता बड़ी मुश्किल से केवल 137 रन बना पाई। अब इतने छोटे से लक्ष्य का पीछा करना चेन्नई के लिए कहां मुश्किल था। कोलकाता के गेंदबाजों ने बहुत कोशिश की, लेकिन ऋतुराज और धोनी के आगे उनकी एक न चली और चेन्नई ने आसानी से मुकाबला अपने नाम कर न केवल कोलकाता के विजय रथ को रोका बल्कि एक बार फिर ऐलान कर दिया कि वह यहाँ आईपीएल चैंपियन बनने के लिए आए हैं। लेकिन चेन्नई की जीत जैसे ही सामने आई, एक बार फिर इसका पूरा क्रेडिट महेंद्र सिंह धोनी को दिया जाने लगा। ऐसा हम नहीं बल्कि दुनिया के कई बड़े बड़े दिग्गजों का भी मानना है, यहाँ तक कि पूरा पाकिस्तान भी धोनी के गुणगान से गूंज उठा है। कई बड़े बड़े पाकिस्तानी दिग्गजों का रिएक्शन भी निकल कर सामने आए हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो वसीम अकरम का कहना है कि बो डाउन महेंद्र सिंह धोनी, भले ही ऑफिशियल कप्तान ऋतुराज हैं, लेकिन सब देख सकते हैं कि आखिर मैदान में असली कप्तानी की किसने है। मैं तो पहले ही कहता हूँ कि जब तक धोनी मैदान में है, उनसे लाइमलाइट कोई नहीं छीन सकता। उन्होंने जैसे जडेजा का इस्तेमाल किया हो, उन्होंने एक बार फिर दिखा दिया कि वो क्यों दुनिया के बेस्ट कप्तान है। चेन्नई की यह जीत कमाल की थी, चेन्नई इस बार भी आईपीएल चैंपियन जरूर बनेगी, मुझे पूरा भरोसा है धोनी पर। यहाँ तक कि दोस्तों, खुद कप्तान के पाकिस्तान के दिग्गज खिलाड़ी शोएब अख्तर का भी ऐसा ही मानना है। उन्होंने कहा कि भारत की हिस्ट्री में यदि कोई सबसे महान कप्तान आज तक हुआ है तो वह धोनी है। आज आप उनके सामने कैसे सोच सकते हैं कि अपनी टीम लेकर जाएंगे और उनके घर पर जीतेंगे। गंभीर अच्छे कोच है, लेकिन धोनी ने बेहतर कुछ नहीं। पहले ही पता था कि कुछ ऐसा ही होने वाला है। कोलकाता के बल्लेबाजों ने बड़े शॉट खेलने का ट्राई किया और उन्होंने कितनी डॉट बॉल खेली है तो आपने देखा ही नहीं। सबसे बड़ी गलती थी कि धोनी ने कोलकाता की कमजोरी का बखूबी फायदा उठाया, तभी तो वह इतने महान कप्तान है। केवल यही नहीं दोस्तों, पाकिस्तान के तेंदुलकर माने जाने वाले शाहिद अफरीदी भी धोनी के मुरीद हो गए। उन्होंने कह दिया कि धोनी सबसे ग्रेट कैप्टन है। कोलकाता जैसी टीम जो आसानी से 200 रन बना सकती थी, उसे चेन्नई ने केवल 134 रनों पर रोक दिया और धोनी के सपोर्ट के बिना यह संभव ही नहीं था। चेपाव के मैदान पर धोनी के चेन्नई घराना इनविंसिबल हो जाता है, कोई भी टीम यहां पर जीत नहीं सकती है। तो इस मैच को देखकर तो लग ही रहा है कि चेन्नई की आईपीएल 2024 का चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता। भले ही रेस में कोई भी हो, मुझे लगता है कि एक बार फिर चेन्नई आसानी से फाइनल में जीत जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, अब तो पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम भी धोनी के फैन हो गए। उन्होंने कह दिया कि मैं धोनी सर का बहुत बड़ा फैन हूँ, वो जितने काम, कूल और कंपोज होकर अपनी टीम को हैंडल करते हैं, वो क्वालिटी उनकी सीखने लायक है। मुझे पता है वो कप्तान नहीं है, लेकिन असली कप्तान तो वही है। पूरी दुनिया जानती है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। यदि धोनी सर को चेन्नई से निकाल दें तो कोलकाता आसानी से मैच जीत जाती। कहीं ना कहीं ये कोलकाता और धोनी के बीच का मैच था जिसमें धोनी ने अकेले कोलकाता को परास्त किया है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे अब तो बाबर ने भी धोनी की जमकर तारीफ की, और केवल वही नहीं पाकिस्तान के महानतम कप्तानों में से एक इंजमामुल हक ने भी कह दिया कोलकाता आपने ये क्या किया, उन्हें खुद पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था, तभी तो बिना कुछ पिच को पढ़े बिना सोचे समझे शॉट लगाना चाहते थे और यहीं पे वह बुरी तरीके से फंस गए। यहाँ पर आपको खड़े रहना था, ज्यादा से ज्यादा समय बिताना था, उसमें कोलकाता के बल्लेबाज फैल रहे और धोनी ने बखूबी तरीके से कोलकाता के बल्लेबाजों को अपनी उंगली पर नचाया। ये माइंड गेम था जिसमें धोनी तो पूरे तरीके से कोलकाता पर हावी थे, इसमें कोई भी शक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हर तरफ केवल धोनी ही सुनने को मिल रहा है, लेकिन अब आपको क्या लगता है, धोनी और गंभीर में कौन अपनी टीम को आईपीएल 2024 का चैंपियन बना पाएगा? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।